इन दिस वीडियो वी एक्सप्लेन एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, अ कैंडिडेट ऑब्टेन 648 मार्क्स आउट ऑफ 900 मार्क्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ अ मार्क्स डिड ही ऑब्टेन, हाउ मेनी मोर मार्क्स शुड ही हैव ऑब्टेन टू स्कोर 78%। मीन स्टूडेंट, एक कैंडिडेट ने एक एग्जाम में 900 मार्क्स से 648 मार्क्स मतलब वो लाता है, ठीक है। अब आपको बताना है कितने परसेंट वो मार्क्स गेन किया है। अगर उसके बाद आपको बताना है, अगर वो 78% मार्क्स लाना होता तो पहले से कितने मार्क्स मोर लाना होता उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो हमारे कितने थे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपका था 900, ओके। उसमें से ओपटेन मार्क्स कितने आपके हैं, ओपटेन मार्क्स आपके हैं 648, ठीक है, 648। अब इसमें बताना है परसेंटेज ऑफ ओपटेन मार्क्स, जैसे कि आपका 900 एग्जाम हुआ उसमें से आप इतने मार्क्स लाएँ तो कितने परसेंट आए, तो परसेंटेज ऑफ ओपटेन मार्क्स तो आपका हो जाएगा टोटल मार्क्स 900 और उसमें से जितना आपने गेन किया है इनटू 100 करेंगे तो यहाँ से आपका परसेंटेज फाइंड हो जाएगा, ओके। तो 0 0 यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 9 7 63 कैरी 1 9 2 80 मीन आपका आ जाएगा यहाँ से 72% मार्क्स आप एग्जाम में गेन किए, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर आपको 72 की जगह 78% मार्क्स लाना होता तो कितने मोर मार्क्स आप लाते, तो आप देखेंगे यहाँ 72 आप लाए हैं और 78 आपको लाना है, तो देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आपका हो गया 6%, ओके। मतलब 6% मार्क्स आपको और लाना चाहिए था, तो टोटल जो मार्क्स आपका 900 है तो 900 का 6% फाइंड करेंगे कितने मार्क्स होगा, 6% का मतलब 6% मार्क्स कितना होगा 900, इसका मतलब हो जाएगा आपका 6% ऑफ 900 फाइंड करेंगे, मीन 6/100 इनटू 900, 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 9 54, मतलब आपको 54 मार्क्स अगर और लाते तो आपका स्कोर क्या हो जाता, 72 की जगह 78% हो जाता, ओके। देन सीधा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट देखेंगे, द प्राइस ऑफ शुगर वाज रेज्ड बाय 25%, हाउ मच परसेंटेज शुड बी अ हाउस होल्डर रिड्यूस इट्स कंजप्शन सो दैट दे मे बी नो चेंज हर मंथली एक्सपेंस। इसका मतलब ये क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है, अगर आपका जो है शुगर का प्राइस 25% इंक्रीज़ कर दिया जाता है तो आपका जितना भी शुगर आपका वन मंथ में यूज हो रहा था तो उसमें हम कितना कम कर दें कि आपका जो मंथली एक्सपेंस, जो मंथली आपका स्पेंड हो रहा था जो भी मनी, उसमें कोई चेंजिंग ना आए। तो आपको उस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, सपोज दैट कि आपका हर मंथ में 1 kg शुगर आप यूज में करते थे, मीन आप मान लेते हैं लेट 100 rupees में आप 1 kg शुगर लाते थे, ठीक है। बट अब क्या हुआ, यहाँ से इसका प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कितना 25%। तो अब 100 का 25% फाइंड कर लेंगे, 100 × 25/100 100 कैंसिल हो गया तो मतलब 25 rupees आपका इंक्रीज हो गया। इसका मतलब आपका न्यू प्राइस अब क्या हो गया, न्यू प्राइस ऑफ शुगर ये आपका हो गया, पहले कितना था 100 rupees, इंक्रीज कितना हो गया 25, मतलब आपका न्यू प्राइस हो गया 125 rupees। मतलब ये हो गया कि पहले आप 100 rupees में 1 kg लाते थे, अब 1 kg कितने में लाएंगे, 125 rupees में, ठीक है। इसका मतलब आपको ये पता करना है कि अब हम कितना यूज़ कर कम कर दें पहले से, कि हमारा जो एक्सपेंड 100 rupees लग रहा था 100 rupees ही आपका उतने में ही आपको चीनी वन मंथ में चल जाए, ओके। तो अब यहाँ पर ये देखेंगे कि 125 rupees में, 125 rupees में आपका जो शुगर आ रहा है कितना आ रहा है 1 kg, ठीक है। बट आपके पास पैसे कितने हैं, 100 rupees में आपको लाना है, तो यहाँ से अगर 1 rupees में निकालें, यूनिटी मेथड यूज करेंगे, 1/1/25 kg, और आपके पास जो अमाउंट है वो 100 rupees है, तो 100 rupees में कितना आ जाएगा, 1/25 × 100 kg, मतलब आपका आ जाएगा 25 5 जा एंड 25 4 जा, मतलब आपका हो गया 4/5 kg, मतलब पहले आपको 1 kg मिलता था, अब आपको कितना मिलेगा 4/5 kg, ठीक है। अब कंजेशन आपका रिड्यूस कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ रिड्यूस कंजेशन जो आपका हो जाएगा, तो यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, अपॉन में क्या रखेंगे, जो आपका पहला अमाउंट था पहले 100 rupees में कितना लाते थे 1 kg, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो आपका पहले का 1 kg था, जो अब आज दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, मीन 1 kg − 4/5, ये आपका हो गया पहले का प्रीवियस क्वान्टिटी और ये प्राइस इंक्रीज होने के बाद की क्वान्टिटी हो गई, इंटू 100 कर देंगे यहाँ से, तो ये इसको एलसीएम लेंगे लेट 1 करके, 5 − 4/5, 1 को 5 से इंटू करा देंगे, इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 5 से 1 1/5 × 100,
डिवाइड करेंगे 5 1 5 2 इसका मतलब 20% आपको कंजेशन क्या करना होगा, कम करना होगा। पहले से जितना भी यूज़ कर रहे थे उसका 20% आपको कम करना होगा। ओके, देन सी द क्वेश्चन नंबर एट आपका है, गोपाल स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम ऑन अ रेंट। मतलब गोपाल अपनी इनकम पर 25% रेंट पे खर्चा करता है, 15% एजुकेशन में एंड 45% ऑन अ फूड एंड क्लोथिंग ETC। जो भी बाकी का एक्स्ट्रा स्पेंड है आपका 45% है। इफ़ ही स्टिल सेव 1200 पर मंथ फाइंड अस मंथली इनकम। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको आप इट्सल्व करेंगे कि पहले आप टोटल स्पेंड निकाल लीजिए, जिससे आपका हो गया पहला रेंट 25%, इसके बाद एजुकेशन 15% एंड फूड 45, सभी को हम ऐड कर लेंगे और टोटल जो इनकम आप लेट करेंगे 100 या ये, उससे हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो इसको आपको इट्सल्फ करना है। नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे, कैंडिडेट स्कोर 30% मार्क्स इन आई एग्जामिनेशन एंड फेल बाई 6। मतलब एक स्टूडेंट एक एग्जाम में 30% मार्क्स ओपटेन करता है और उसमें 6 मार्क्स से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। सेकंड स्कोर कितना करता है, 40% करता है और पासिंग मार्क्स से 6 मार्क्स मोर लाता है। तो आपको इसमें बताना है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स एंड परसेंटेज नीड्स टू पास। मतलब आपको इसमें यह बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होने चाहिए पास होने के लिए और उसका परसेंटेज क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट कैंडिडेट 30% लाता है और फेल होता है 6 मार्क्स से। मतलब इसको आप लिख सकते हैं 30% और सबट्रैक्ट 6 से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। सेकंड आपका लाता है 40% और पासिंग से प्लस 6, मतलब 6 मार्क्स मोर लिया था। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे पहले कि टोटल नंबर आप जो मार्क्स होगा एग्ज़ाम में, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स वो आपका कितना हो जाएगा, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडिडेट जो लाएगा आपका 30% ऑफ एक्स टोटल मार्क्स का और 6 मार्क्स का क्या हो गया, वो फेल हो गया। अब सेकंड कैंडिडेट देखते हैं, तो वो कितना लाता है एक्स का, 40% लाता है ऑफ एक्स और 6 मार्क्स वो क्या ले आता है, मोर ले आता। अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऐसी बनाएंगे, इसको इक्वल बनाने के लिए, ये आपका फेल हो रहा है और ये पास हो रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, या तो दोनों को पास करा देंगे या तो फिर दोनों को फेल कराएंगे, जिससे कि हमारी इक्वेशन इक्वल में आ जाए। सपोज दैट ये आपका हो गया 30% ऑफ एक्स माइनस 6, मतलब ये फेल हो रहा है, इक्वल 40% ऑफ एक्स। अब ये क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो इसको हम क्या करा देंगे, फेल। ये भी फेल हो जाएगा और ये भी फेल। अगर इसको हम माइनस यहाँ पे कर देते हैं प्लस की जगह, तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। और ये भी आपका कैंडिडेट क्या है, फेल। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, या तो अगर पास कराना है तो इसको प्लस करना होगा, या तो इसको प्लस कर दीजिए या तो इसको फिर माइनस को, एक आपको चेंजिंग करनी होगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 30% ऑफ एक्स और 40% को हम इस साइड ले आएंगे, 40% ऑफ एक्स इक्वल माइनस 8 हो जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो कंडीशन मैंने बनाई ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गई, फिर से देखेंगे इस कंडीशन कैसे बनाएंगे। मतलब देखिए, ये आपका क्या है, पास तो है मगर 6 मार्क्स मोल ला रहा है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, फेल है। तो अगर फेल, इसको अगर हमें पास करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे इसको हम 6 मार्क्स और दे देते हैं, मतलब 30% ऑफ एक्स प्लस 6 कर दें। ठीक है, और ये हमारा ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये तो पास है ये पहले से मगर 6 मार्क्स क्या कर रहा है, मोल ला रहा है। तो इसको आप कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ से मैंने कंडीशन बनाया है 30% ऑफ एक्स, तो ये फेल हो रहा था, इसको हमने 6 प्लस कर दिया, इसका मतलब ये पास हो गया। अब ये 40% ऑफ एक्स, ये तो पास था मगर क्या कर, 6 मार्क्स मोर ला रहा था, तो मोर का मतलब प्लस था, तो मैंने ये क्या कर दिया, माइनस। इसका मतलब अब ये केवल पास होगा, मोर मार्क्स नहीं लाएगा। इसका मतलब दोनों कंडीशन हमारी पास की हो गई। अब इसको हम इक्वल कर सकते हैं, 30% ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू 40% ऑफ एक्स माइनस 6। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 30% ऑफ 100 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 40 अपॉन 100 इंटू एक्स माइनस 6। वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं, 30/100 एक्स, इसको उधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 40x/100 इक्वल टू -6 -6। ओके, यहाँ से एलसीएम आपका हो जाएगा 100, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो ऊपर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इक्वल टू -12। 40 से 30 जाएगा, माइनस का 10x/100 इक्वल टू -12। माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 ये कैंसिल, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 120। इसका मतलब कितने मार्क्स होंगे, टोटल हमारे 120 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं पासिंग कंडीशन आपकी क्या होगी। तो टोटल एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 120। तो अब दोनों में हम किसी में अगर एक्स की वैल्यू रख दें तो हमें नंबर मिलेंगे जो पासिंग मार्क्स होंगे। ठीक है, तो 30% ऑफ, मतलब इंटू एक्स की वैल्यू है 120 प्लस 6, इसको हम सॉल्व करेंगे, 30/100 इंटू 120 प्लस 6, 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6 12 4, मतलब 42 मार्क्स। तो आपको कितने टोटल मार्क्स लाना होगा, 42 अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। यही वैल्यू अगर आप इसमें रखेंगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा। ओके, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए, 120।
तो अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ पासिंग। तो टोटल मार्क्स आपके हो गए 120 और पासिंग मार्क्स इतना हो गया 42। फाइंड द परसेंटेज ऑफ, तो परसेंटेज हो जाएगा टोटल 120 उसमें से कितना 42 इंटू 100 से सॉल्व करेंगे, 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12 2 2 2 1 ओके। फिर से कैंसिल करेंगे 3 2 6 3 7 एंड 2 1 2 5 7 5 35% मार्क्स आपका हो गया पासिंग, नंबर्स में कितना हो गया 42 ओके। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप वीडियो आप 2-3 times देखिएगा तब इसको समझ में आएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 and 11 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 10 आप प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल है, ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ओके। तो एक्सरसाइज 6.2 आपकी फिनिश हो गई।